हेलो दोस्तों, गोवा में लॉकडाउन लगने जा रहा है। ये वीडियो ज़्यादातर वो लोग देखे जो गोवा में रहते हैं या फिर बाहर राज्य से आए हुए हैं और आना चाहते हैं वो लोग। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, गोवा में और पूरे देश में 2 लाख से ज़्यादा केसेस एक दिन में बाहर आ रहे हैं। वो मामले जो आ रहे हैं उसके साथ गोवा में भी ज़्यादातर केसेस रफ्तार पकड़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के हो या फिर कोविड के। तो फिर इसको देखते हुए सरकार जो है लॉकडाउन की बातें चला रही है और पब्लिक इससे डरी हुई है। नाइट कर्फ्यू के साथ, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ जारी किया जा रहा है गोवा में नाइट कर्फ्यू। कर्नाटक में ऑलरेडी वीकेंड कर्फ्यू जारी में है। अब शनिवार है आज और कल संडे, दोनों दिन जो सरकार ने छूट दिया हुआ है उसी के बेसिस पर बाहर जा सकते हैं लोग। और दोस्तों, मैं बता दूं कि गोवा में 14 फरवरी को इलेक्शन है, इसीलिए चुनाव प्रचार जोर से है। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुनाव है, चुनाव होने के बाद यहाँ पर 100% लॉकडाउन लग सकता है। और लगने के बाद क्या हो सकता है बाहरी राज्य से आए हुए लोगों के साथ और वहाँ पर रहने वालों के साथ, तो फिर आना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। दोस्तों, पहली बात, यहाँ पर रहने वाले जो खुद के घर है सेटल हो चुके हैं यहाँ पर, उन लोगों को छोटी मोटी मुश्किलें बढ़ते हुए दिखेंगे। उनके पास सेविंग्स है तो फिर वो टेंशन ज़्यादातर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी ऐसी बात भी नहीं है। और जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर अब काम कर रहे हैं, रूम्स को रेंट देते हैं, तो फिर उनका खर्चा भी ज़्यादा है, तो अभी से वो अपना खर्चा जो है कम कर ले। और उसके साथ जो रूम का रेंट है वो तो आप पानी और करंट का उससे बच नहीं सकते, लेकिन आपका जो फालतू खर्च हो रहा है उसको सेविंग्स में बदल लें और खर्चा कम करें। इससे आपको फ्यूचर में कभी भी लॉकडाउन लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा थोड़ा सा। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन लगेगा तो कब हटेगा ये बता नहीं सकते हम, ये तो हमने पहले भी देख चुका है। तो फिर ये इसका परिहार क्या हो सकता है? अगर अब सरकार जो कुछ भी रूल्स बनाता है, नाइट कर्फ्यू का हो या फिर कोरोना को लेके, ओमिक्रॉन को लेके, उन रूल्स को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर को रख लेना है और सामाजिक दूरियां बनाना है, भीड़ में ज़्यादा नहीं जाना है, भीड़ नहीं बुलाना है। और इससे क्या होता है, कोरोना को लेकर यहाँ पर केसेस कम आने की ज़्यादातर जो नज़र आता है रिजल्ट्स, उसके साथ लॉकडाउन नहीं लगाएगा सरकार, जो कि सरकार को लगेगा कि लोग पालन कर रहे हैं तो फिर इसी के साथ चलेंगे। ऐसा वो स्ट्रिक्ट रूल्स तो लगाएंगे लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं करेंगे। अगर एक बार लॉकडाउन हो जाए तो फिर क्या होगा, ये आपने 2 बार देखा हुआ है। ये था यहाँ का जो कि इन्फॉर्मेशन कि मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर अब 14 फरवरी को इलेक्शन है, उससे पहले लॉकडाउन नहीं लग सकता, लेकिन नाइट कर्फ्यू यहाँ पर जारी होगा। और पता नहीं बेकाबू हो तो कोरोना के केसेस उसके साथ ओमिक्रॉन के आज भी लॉकडाउन लग सकता है, बेकाबू हो तो। अब यहाँ पर चुनाव प्रचार तो बहुत ज़ोर से चल रहा है, देखेंगे कौन सा पार्टी जीतेगा और कौन सा पार्टी में कितना दम है, वो तो इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट्स में पता चल ही जाएगा। आप अपना सेफ्टी पहले देख लीजिए और अपना खर्चा जो है उसे सेविंग्स में बदलने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।